गेस्ट पूरी दुनिया भर के गेस्ट आते हैं तो अब हमें कुछ बनाना है. यू आर डूइंग साइकिलिंग फ्रॉम जर्मनी टू सीमा से वापस जाएंगे. गाइस आज है 7 फरवरी 2020 और इस समय मैं हूँ आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज में एंड हॉस्टल मैंने आज सुबह छोड़ दिया है. तो अभी जा रहा हूँ मैं अपने फर्स्ट काउच सर्फिंग होस्ट के घर क्योंकि मैं गलत यहाँ पे मैं पहले उनसे मुलाकात करता हूँ फिर उसके बाद आपसे मिलूँ. फाइनली मैं अपने होस्ट के यहाँ पहुँच गया हूँ एंड ये मेरा फर्स्ट काउच सर्फिंग एक्सपीरियंस है और दीदी हैं सागरिका. हेलो एंड नमस्कार. इनके यहाँ ही मैं 3 दिन रुकने वाला हूँ. आज टुडे इज 7. तो चलिए हम लोग घर देखते हैं इनका. आइए दीदी आप हमें घर घर बताइए कैसे और साथ में आप कुछ बता सकती हैं जैसे आप काउच सर्फिंग में कब से हैं. काउच सर्फिंग में मैं लास्ट मार्च से हूँ. लास्ट मार्च से तो आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिलेगी काउच सर्फिंग की. कुछ उसके आगे का नवंबर से थे जी. तो उनसे मुझे पता लगा काउच सर्फिंग के बारे में. और जब आजकल मतलब ऐसा हो गया जब गेस्ट आते रहते हैं हमारे घर जब गेस्ट नहीं आते तब बोरिंग लगते हैं. मतलब गेस्ट पूरी दुनिया भर के गेस्ट आते हैं तो पूरा फन एक्चुअली और कुछ नहीं. और आप और मल्टीपल लोगों से मिलते हैं अलग अलग देश विदेश के लोगों के साथ मिलते हैं उनके साथ कल्चर शेयर करते हैं उनके साथ बातें होती है जी. दिस वन इज डन बाय काउच सर्फर्स. तो आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त आर्ट है. मुझे लगा पहले कि वो इन्होंने बनाई होगी लेकिन उन्होंने कहा कि मुझे भी एक बनाना है तो कुछ बनाऊंगा जो मेरे बस के होगा. तो चलिए हम लोग कुछ घर देखते हैं आपका. तो ये बेडरूम है अभी इसे मैनेज करेंगे अभी थोड़ा एंड ये स्टडी रूम. वाह ग्रेट. एंड दीदी के जो हस्बैंड हैं वो प्रोफेसर हैं और किस डिपार्टमेंट में. मैकेनिकल. एंड वो IIT से उन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की थी. जी तो आज के लिए रूम मेरा है. आई मीन 3 दिन के लिए जब तक मैं यहाँ पे हूँ. ओके एंड यहाँ पे ऊपर एक सेंसर वाली लाइट भी लगी हुई है. एक्चुअली मुझे काफी एक्साइटमेंट होता है जी जी. एंड यहाँ पे एक चीज नोटिस करने वाली बात यह है कि सब कुछ इलेक्ट्रिसिटी से चलता है. कुछ भी ऐसा गैस या सिलेंडर बिना उसके ही पूरा आप मैनेज करते हैं और रोटी भी इवन इसमें पक जाती है. एंड ये आपने लाने वाली चीजें. ओह तो पर डे आप अपडेट करते हैं इसे. यस तो आप मैक्सिमम कितने लोग होस्ट करते हैं एक टाइम में. एक टाइम में हम लोग 3 जन होस्ट कर सकते हैं. 3 ओके. एक बार 5 जन हो गया था. 5 वाओ. एक बार हो गया था मतलब बाय मिस्टेक सुनने से रिक्वेस्ट भेजा रात को. रिक्वेस्ट भेजा तो रात को खराब लगता है ना. हाँ जी हाँ जी. दे विल बी इन ट्रबल सो हमने एक्सेप्ट कर लिया जी. हो गया था. ओके it is actually nice. yeah it is nice. आगे से आपने वहाँ कुछ बो रखा है कुछ प्लांटिंग कर रखी है आपने. प्लांटिंग है वहाँ पे. इसको मैं बंद कर देता हूँ. मंकी आ जाएंगे मतलब बहुत मंकी से यहाँ. अच्छा यहाँ पे मंकी हैं बहुत सारे. बहुत सारे. लेट्यूस लगाए थे. लेट्यूस ब्रोकोली एंड पालक जी. पूरा लेट्यूस बंदर ने आके खराब कर दिया पूरा. ये आपने हरी सब्जी आप इसे क्या बोलते हैं वो जो ग्रीन ग्रीन है वो वाला लास्ट वाला पालक. अच्छा ये पालक है. हमारे यहाँ ओके हमारे यहाँ 2 चीज़ें होती हैं. एक पालक भी होता है और एक हरी सब्जी होती है. हरी सब्जी मतलब होता कुछ इसी के जैसा है बट उसके पत्ते थोड़ा चौड़े से होते हैं और वो इन द डाउन टू ग्राउंड टाइप. सो गाइस ये था एक होम टूर एंड मेरी फर्स्ट काउच सर्फिंग है ये. तो ये पूरा आसाम इंजीनियरिंग कॉलेज है. सामने क्रिकेट मैच चल रहा है और कुछ इस तरीके से वो लोग चीयर कर रहे हैं टीम को अपनी टीम को. आज मेरा जो लंच है वो कुछ ये है और यहाँ पे ये जो चीज़ें मछली है. एंड लाइफ में मैंने आज तक कभी मछली नहीं खाई है तो मुझे पता नहीं है कैसे खाते हैं क्योंकि मछली में कांटे होते हैं. तो अभी मैं ट्राई करूँगा. ऐसे दबाओ जी. कांटे है कि नहीं देखो. ओके कांटे है
है ना। ओके okay, ये चीज है कांटा। ओ तो इसको निकाल के रखो। ओके ओह आई ट्राई। सॉरी रोटी रोल एक ही है, मैंने इसे तुम्हें नहीं दिया। नहीं क्या? नहीं नहीं मैम ठीक है। तो इसमें कोई कांटा नहीं है और इसमें कांटा है, ये कांटा है। एक से ज्यादा कांटा हो सकता है क्या? गाइज लंच हो गया है, फिश मैंने थोड़ा सा खाई एंड हाँ मेरे पे कोई कांटे नहीं चुभे। बट या आई शायद फिश मुझे उतनी ज़्यादा अच्छी ना लगी हो, कोई बात नहीं, बट मैंने ट्राई किया, इट्स अमेजिंग। तो गाइज इस समय शाम का वक्त है, 6:30 हो रही है और हम लोग कुछ इस तरीके से टाइम स्पेंड कर रहे हैं दीदी के साथ और दीदी ने मुझे बिस्किट और नमकीन चला जी। और अभी हम लोग वीडियोस देख रहे हैं, मेरी वीडियोस जो हाफ अनकट क्लिप्स हैं वो मैं वीडियोस दीदी को दिखा रहा हूँ। तो आप लोग अपने सो कुछ इस तरीके से आप अपने होस्ट के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल विल बी न्यू एंड लॉट ऑफ पीपल इवन डोंट नो काउचसर्फिंग। तो हम लोग अभी खाना बनाने की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड दीदी जो है वो आटा गूंदेंगी क्योंकि मैं आटा गूंदने में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आटा कम ज़्यादा गीला हो जाता है। और यहाँ पे मैं आलू धुलूँगा, तो ये आसाम के स्पेशल आलू हैं, ओनली आसाम में मिलते हैं ये छोटे छोटे काफ़ी सारे हैं तो इनको मैं धुलूँगा। फाइनली प्याज आलू कट के रेडी है और अब हमें कुछ बनाना है एंड पालक ओके एंड यहाँ पे जो दीदी बना रही हैं मछली के पराठे। तो सबसे मज़ेदार चीज़ें हैं यहाँ की ये लाइट्स, सेंसर लाइट्स हैं। फिश पराठे, आलू की सब्जी, दाल एंड ये है चिकन का अचार। ये मणिपुर से लाए हैं स्पेशल दीदी, मणिपुर गए थे तो फर्स्ट टाइम मैं सुन रहा हूँ चिकन का अचार। एंड दाल दिस इज पुलाव एंड दिस इज सब्जी ओके ओके एंड थोड़ी देर में यहाँ पे एक और काउच सर्फर आने वाले हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, इस समय मैं अपने होस्ट के घर में हूँ जो कि असम में गुवाहाटी जो लोकेशन है, जो मेरी होस्ट हैं दीदी हैं वो सो रखी हैं एंड रात को एक और गेस्ट आए थे उनके बारे में मैं बाद में बताऊँगा, वो सुबह चले गए हैं। तो अभी एज अ काउच सर्फिंग है मेरा मानना है, जब हमने खाना एक साथ बनाया तो अगर मैं उठ गया तो मैं बर्तन धुल सकता हूँ, सो इट विल बी बेटर। तो चलिए गाइस मैं बर्तन धुलता हूँ फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरे बैग में क्या है, क्योंकि एक दोस्त आप में से ही एक दोस्त ने इंस्टाग्राम में मुझे मैसेज किया था कि आप क्या क्या कैरी करते हैं, तो इसलिए मैं इस चीज़ को मेंशन करना चाहूँगा। तो चलिए मैं पहले बर्तन धुलता हूँ फिर बैग पे चलेंगे। हालांकि दोस्तों उनके यहाँ डिश वॉशर भी था लेकिन मुझे वो यूज़ करना नहीं आता था इसलिए मैंने बर्तन हाथ से ही धुल लिए। सो गाइस अगर आप लोग सोच रहे होंगे काउच सर्फिंग क्या है, तो इस रिगार्डिंग मैंने एक और चैनल बनाया है, उसमें मैं ट्रैवलिंग के दौरान बहुत सी चीज़ें जो मिस हो जाती हैं वो वीडियो में बताता हूँ और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो आप उसे चेक कर सकते हैं, उसी में आपको व्हाट इज़ काउच सर्फिंग वाली वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। ये है मेरा बैकपैक, ये है बैक वाला जिसे रक्सैक कहेंगे या जो भी कहेंगे, एक्स्ट्रा पीस है जहाँ पे जूते बार बार मैं पहनूंगा उतारूंगा, इससे बढ़िया ये प्रॉब्लम।